बेसिक शिक्षा विभाग के कायाकल्प योजना तथा 46 गांवों को नगर निगम में शामिल किए जाने संबंधित बैठक मुख्य विकास अधिकारी हर्षिता माथुर की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएन सिंह, जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में शिक्षा विभाग के कायाकल्प योजना के कार्यों की समीक्षा की गई तथा स्कूलों में शुद्ध पेयजल तथा हाथ धुलने के लिए स्कूल परिसर पर पानी की व्यवस्था किए जाने तथा स्कूलों के बिल्डिंगों के निर्माण सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस दौरान 1 जुलाई से 46 गाँवों को नगर निगम में शामिल करने तथा उनके क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। बैठक के संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा, बताया था कि हमारा जो सर्वे हुआ था, थर्ड पार्टी क्वालिटी असेसमेंट हुआ था, तो उसमें हमारा मात्र 1 या 2 स्कूल को पास करके दिखाया था, अब हमारे साथ इशू ये है कि नेक्स्ट जो असेसमेंट होगा वो सितंबर में होगा। नए पैरामीटर और पुराने पैरामीटर है, सबको मीट कर लेना है, ठीक बात। अभी के लिए हमने ये परिस्थितियाँ जो चल रही हैं उसमें आप लोगों का एक ज्वाइंट सर्वे करवाया था, ज्वाइंट में थे कि अलग अलग में आप लोगों ने सबने अपने अपने ब्लॉक की, मैं सारे कनिष्ठ अधिकारी से पूछ रही हूँ, आप लोगों ने अपने अपने ब्लॉक की स्थिति देखी हुई है तो थोड़ा बात के है जो अभी तक हमें जो जानकारी है, हमारी जानकारी के अनुसार 30 जून जो हमें लेटर मिला, शासनादेश मिला है, उसके अनुसार 30 जून 2020 तक अभी के मुताबिक ये जो 46 ग्राम पंचायतें जो नगर पंचायत या नगर निगम में शामिल होने वाली है उनका कार्यकाल 30 जून तक है। अगर आगे कुछ बढ़ता है तो जैसे ही हमें इसकी सूचना मिलती है, हमें इसका लेटर मिलता है, इसको हम सूचित कर देंगे। 26 जुलाई से शामिल होना था, उसको लेकर अगर नगर निगम में शामिल होता है तो 46 गाँव में जो पैसे गए हैं वही जो भी पैसे गए हुए हैं उसको हम लोग उसके पहले खर्च कराने के लिए आज भी जो हमने मीटिंग बुलाई थी
ये उसी से संबंधित थी कि जो भी शौचालय का निर्माण यहाँ लगभग 100% शौचालय का निर्माण हो चुका है, पर कुछ अनअप्रूव्ड में है, कुछ ना कुछ उसमें कुछ कमी है। लगभग 600 शौचालय ऐसे हैं जिसमें कुछ ना कुछ कमी है, कहीं दरवाजे नहीं है या कहीं पेंटिंग नहीं हुआ है या LGD कोड नहीं है। उसी के लिए बैठक बुलाई गई थी कि 600 जो शौचालय जो इसमें कमी है वो उसको पूरा करा करके 30 जून तक सारे फोटो अपलोड कर दिया जाए। इसके अलावा जहाँ तक विकास कार्यों का संबंध है, लगभग 30 लाख या 32 लाख के आसपास धनराशि अभी भी अवशेष है इन सारी ग्राम पंचायतों में। ये इससे जो भी विकास कार्य है, नाली की, किसी किसी गांव में नाली का कार्य हो रहा है, कहीं प्राथमिक विद्यालय का ऑपरेशन कायाकल्प में सही कराया जा रहा है, कहीं खड़ंजे का कार्य हो रहा है। 30 जून तक सभी कार्य को पूरा करा करके सभी धनराशि को खर्च कर दिया जाएगा। ऑपरेशन कायाकल्प में आज CDO मैडम की अध्यक्षता में सभी VSAs और जितने ADO पंचायत हमारे हैं सबकी बैठक बुलाई गई थी। उस बैठक में हम लोगों के पास जो सूची आई थी, दोनों विभाग ने अलग अलग सर्वे कराया था, VSA से मतलब शिक्षा विभाग ने अलग सर्वे कराया था, हमारे विभाग ने अलग सर्वे कराया था, और उसको रिकनसाइल किया गया तो हम लोगों ने पाया कि लगभग 70% विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प के जो 12 पैरामीटर हैं उस पर कार्य हो चुके हैं। देखो, दो पैरामीटर है जिसमें हम लोग ज़्यादा पीछे हैं, उसमें से एक जो बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर है वो है कि रनिंग वाटर की फैसिलिटी टॉयलेट में, और दूसरा पैरामीटर है रनिंग वाटर की फैसिलिटी वॉश बेसिन में, मतलब जो लड़के जहाँ हाथ धो सकें, ऐसे जो ये होते हैं जो टैप वाटर होते हैं वो हमारे समरसिबल अभी सिर्फ 413 विद्यालयों में लगे हैं, लगभग 2988 विद्यालयों में। बाकी कार्यों में जहाँ तक बाकी पैरामीटर्स हैं लाइक टाइल्स या जो भी है पानी हैंडपम्प की सुविधा है या शौचालय की सुविधा है या रेलिंग की सुविधा है, इन सबों में हमने लगभग 70% की प्रगति की है। बाकी सभी जगह कार्य चल रहा है। आज हमने सभी जगह सूची मंगवाई थी तो पता चला आज के दिन में लगभग 85 ग्राम पंचायतों में, ग्राम पंचायतों के विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प का कार्य चल रहा है। 30 सितंबर तक हमें 100% विद्यालय में कराना है, तो हम लोग लग करके एक सूचीबद्ध तरीके से, एक सुनियोजित तरीके से इस पर कार्य कर रहे हैं। हम 30 सितंबर तक 100% ऑपरेशन कायाकल्प के लक्ष्य को पूर्ण कर लेंगे। ओवरऑल शौचालय का जहाँ तक सवाल है, तो आज के दिन में SBM और LOB के सारे शौचालय पूर्ण हो गए हैं। NOLB का जो शौचालय है उसमें हमारा टारगेट 15,782 है, उसके सापेक्ष हमने 13,216 शौचालय का निर्माण कर लिया है। 2,569 शौचालय का निर्माण कार्य अभी प्रगति पर है, थोड़ी बारिश होने की वजह से कार्य थोड़ा स्लो हो गया है, बट अगले एक हफ्ते में हम उम्मीद कर देंगे सभी शौचालयों का कार्य पूर्ण करा करके 100% फोटो अपलोड कर देंगे। सर, पौधरोपण भी होना है शौचालय के आधार पे, जिसके पास शौचालय है उनको बीच में देने हैं। बिल्कुल, इसके लिए पूरी तैयारी होगी। वृक्षारोपण जो सहजन का वृक्ष है, ये शासनादेश आया हुआ है कि जहाँ जितने भी लोग जिसके पास भी शौचालय है, लगभग 7 लाख ऐसे लोग होंगे जिसमें 6 लाख, 6.5 लाख हमारे विभाग से और लगभग 50-60 हज़ार खुद से लोगों ने बनवाए हैं, ऐसे लगभग 7.25 लाख जो घर हैं, सब में एक एक सहजन का वृक्ष रोपा जाना है। इसके लिए हम लोगों ने ADOs और BDOs की बैठक पहले बुलाई है, सारी बैठकें हो चुकी है, सबको अवगत करा दिया गया है। जुलाई के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में जैसे ही शासनादेश शासन से निर्देश मिलेगा, हम लोग सभी घरों के पास लाभार्थियों की मदद से सहजन का पौधा जो है उसका वृक्षारोपण करेंगे।